शुरुआत होती है 17 फरवरी को, जब अचानक हसीना मलिक को एक कॉल आता है एक अनजान नंबर से, और जब वो उठाती है तो उस पे एक अनजानी आवाज़ उससे कहती है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और मैंने तुम्हें मारने की ठान ली है क्योंकि तुमने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। ये बात सुनकर हसीना मलिक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो उसे कहती है कि तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो, जिस पर कि फ़ोन कट हो जाता है वहीं पर, और हसीना मलिक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। और फिर दूसरे दिन 18 फरवरी को हसीना मलिक थाने पहुंचती है तो सभी लोग जो कि पुष्पा जी, चीता चतुर्वेदी, करिश्मा सिंह और संतोष शर्मा, उनके लिए एक सरप्राइज़ रखते हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है। और जब हसीना मलिक वहां पर आती है तो वो सब हसीना मलिक को दिए गए अवार्ड को सेलिब्रेट करते हैं और फिर अब हसीना मलिक को DSP की रैंक पे प्रमोट किया जाता है। लेकिन जब वो गिफ्ट उसको खोलने लगते हैं तभी एक ज़ोर का धमाका होता है और जो कि महिला थाना वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और अब दूसरे दिन 19 फरवरी को ये खबर सभी जगह फैल जाती है कि जो कि हसीना मलिक है और उनकी टीम ख़त्म हो चुकी है और वो एक बम ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं। और अब डिपार्टमेंट इस पर एक स्पेशल इंक्वायरी रखता है और इस इंक्वायरी को लीड कर रही है SHO लीला। और SHO लीला जो कि इस केस की इंचार्ज है वो काफ़ी एक दबंग पुलिस वाली है और वो हर बड़े से बड़े केस को सॉल्व करने का जो कि उनके पास एक्सपीरियंस है। और जब वो इस केस की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।